हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट नंबर 6 डेट इज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। जनरली इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आप रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो ये किस किस फंक्शनल ग्रुप को ईजिली रिड्यूस नहीं करेगा, ईजिली इन द सेंस रूम टेम्परेचर पे रिड्यूस नहीं करेगा, तो वो भी लिस्ट आउट किया मैंने, और किसको कर देगा वो भी इसमें कर दिया है हमने। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगेन इस रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे याद रखेंगे, इसके रिएक्टेंट को कैसे याद रखेंगे एंड इसके प्रोडक्ट को कैसे याद रखेंगे। तो उसको हमने सिंपल एक स्लोगन से कनेक्ट किया है, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। सी हियर, हेलो एनी बहन जी, आयमा सिस्टर के पास कार होगा, पता नहीं पढ़ने देना है। ये एक लाइन हो गया, हेलो एनी बहन जी, डैट मीन्स यू आर सेइंग एनी बहन जी को, हेलो एनी बहन जी, आयमा सिस्टर के पास कार होगा, पता नहीं पढ़ने देना है। इस वर्ड का क्या मतलब है? हेलो मतलब RX, एल्काइल हैलाइड होगा, तो उसको एनी मतलब एनहाइड्राइड, बहन जी मतलब बेंजीन, आयमा मतलब अमाइड, सिस्टर डेट मीन्स एस्टर, एस्टर से मैंने बना लिया सिस्टर, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, होगा मतलब अल्कोहल ROH, पता नहीं पढ़ने देना मतलब पता मतलब PT, नहीं मतलब NI, पढ़ने मतलब PD, है मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्काइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, बेंजीन, अमाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, इन सबको रिड्यूस नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे। देखो कोई भी रिएक्शन अगर हमें कराना हो, ज़बरदस्ती कराएंगे तो वो हो ही जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ पूछा जा रहा है कि विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, डैट मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा है। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप आपका रिड्यूस नहीं हो पाता है ईजिली हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और प्लैटिनम से। नाउ किस किस को करेगा, तो उसके लिए सिंपल क्या है, मल्टीपल बॉन्ड को बराबर इज्जत देना है। मल्टीपल बॉन्ड इन द सेंस दोनों जो एलिमेंट है वो सेम हो तो भी चलेगा, डिफरेंट हो तो भी चलेगा। डैट मीन्स कहीं पे अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो मल्टीपल बॉन्ड आ गया, या कहीं पे सी डबल बॉन्ड ओ है, या कहीं पे सी डबल बॉन्ड एन है, तो इन सबको बराबर इज्जत देना मतलब क्या हो गया कि इनके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर देना, इसको भी हैच देना, इसको भी हैच देना। सिमिलरली इसके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इसको हैच मिलेगा, इसको हैच मिलेगा। सिमिलरली इसके मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हैच और इसको हैच। तो इस लाइन का यही मतलब है कि वो जो मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है वो सेम एलिमेंट के बीच हो या डिफरेंट एलिमेंट के बीच हो, डैट डजंट मैटर, बराबर इज्जत देना, इन द सेंस उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों को एक एक हैच देना है। नाउ जो ट्रिक हमने आपको दिया है, अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम हमने लिया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी। तो हमने क्या बोला था कि इसमें से एक पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है, और ये ब्रेक करके इसको हैच देना और इसको हैच देना, बराबर इज्जत देना। तो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया, बाकी जो चीज़ जैसे वैसे ही रहने दो। एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आया, तो CH2 CH2 CH3, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कीन। नाउ एल्काइन होगा, तो ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके हैच दो, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके भी हैच दो। तो व्हाट यू विल गेट, अगेन सेम प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ यहाँ पे भी देखो, तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, सेम एलिमेंट के बीच हो या डिफरेंट एलिमेंट, तो आपको ब्रेक करना, इसको भी एक हैच देना, इसको भी एक हैच। तो अब ध्यान से देखो आपके पास क्या मिल गया, CH3, इस कार्बन पे एक हैच था, एक और हैच आया, तो CH2, और ऑक्सीजन उससे जुड़ा हुआ था, उसको हाइड्रोजन मिल गया, तो OH अल्कोहल बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इसको हैच दे दो, तो व्हाट यू विल गेट, CH3, इस कार्बन के पास हैच आया और ऑक्सीजन के पास भी हैच आया, और ये CH3 ऐसे ही था। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो, तो आपका
ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको हैच और इसको हैच मिलेंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको हैच, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाइन CH3CH2N पे दो हाइड्रोजन NH2, 1 डिग्री अमाइन आपको मिल जाएगा। डैट मीन्स नाइट्रोजन होगा तो अमाइन बना देना है, ऐसा भी आप कह सकते हो। अगेन नाइट्रोजन है, ये दोनों ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन ले आना है, तो व्हाट यू विल गेट, CH3NH2। तो नाइट्रोजन होगा तो अमाइन बना देना है, अदरवाइज आपको कैसे करना है समझा दिया। यहाँ पे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हैच इसको हैच, तो फर्स्ट केस में आपको ये मिल जाएगा अल्डिहाइड, और फिर फर्दर अल्डिहाइड किस में चला जाएगा, अल्कोहल में, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इसको भी हैच और इसको भी हैच, तो यू कैन सी CH3CH2OH आ जाएगा। नाउ ये एसिड है, तो आपको बताया था कि इस फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगी, ज़बरदस्ती हम कराना चाहें तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है, यू नो, बट रूम टेम्परेचर पे एसिड फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी रिड्यूस बाई H2 और NI। नाउ अब जाते जाते मैं ज्ञान की बात करूँगा, और डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 1 में कि जो मैं H2NiPdPt लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि आपको हाइड्रोजन लेना है इन प्रेजेंस ऑफ आइदर निकल या फिर प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम। इसको कैसे याद रख सकते हैं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे ना। तो क्वेश्चन इज कि इन तीनों का काम क्या है, तीनों का काम सेम है, ये एक सरफेस क्रिएट करता है जिस पे यह हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है, सरफेस रिएक्शन है ये एडजॉर्प्शन वाली। तो निकेल अगर लोगे तो आपको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा, और प्लेटिनम लोगे तो थोड़ा कम टेम्परेचर, और प्लेटिनम लोगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी। तो इन तीनों का जो मेजर यहाँ पे पॉइंट समझना है कि निकेल में रिएक्शन थोड़ा कम स्लो होगी, उससे ज़्यादा फास्ट प्लेटिनम में होगी, और उससे ज़्यादा फास्ट प्लेटिनम में होगी। डैट मीन्स प्लेटिनम अगर आप लेंगे तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगी, प्लेटिनम में थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, निकेल में उससे भी ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो ये इस वर्ड का क्या मतलब है ये हमने समझाया। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 लेता, तो अगर सपोज करो कि आपने H2 इन प्रेजेंस ऑफ NI या PD या PT लिया होता, तो सीधा इसको आप एल्केन में कन्वर्ट कर देते CH3 CH2 CH2 CH3। बट अगर यहीं पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD लेते विथ सम अनदर रिएजेंट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, तो फिर इस रिएक्शन को आपको एल्कीन पे ही रोकना पड़ता, डैट मीन्स यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड C, एक एक H उन दोनों को मिल जाता है उस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, और CH3। इस केस में ये सीन एडिशन भी होता है जिसके बारे में मैं ट्रिक आपको दूंगा आगे के लेक्चर में। तो ये आपको एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाएगी, समझना इस पॉइंट को है कि अगर सिर्फ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम लोगे तो एल्केन पे रुकेगी, बट H2 प्लेटिनम लेकर के अगर आपने एक्स्ट्रा कोई ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये रिएक्शन आपकी फिर रुक जाएगी कहाँ पे, एल्कीन पे। और इस रिएजेंट का स्पेशल नेम है, डैट इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। तो ऐसा क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ कि जो आपके पास ये सरफेस थी प्लेटिनम की, उस पर कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर आपने डाल दिए, तो बहुत सारे होल्स इसके ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो रिएक्शन फिर आपका एल्काइन से एल्कीन पे रुक जाएगा, एल्काइन से एल्कीन पे रुक जाएगा। तो अगर बीच में रोकना हो तो आपको सम ऑफ द पाउडर फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट उस कैटलिस्ट के सरफेस पे डालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ज्ञान की बात है वो ये है कि अगर मैं एसिड हैलाइड लिया होता CH3COCl, तो अगेन सेम पॉइंट कि अगर आप इसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम या प्लेटिनम ये सब लेते, तो ये रिएक्शन में आपको इसको ब्रेक करके HH देना था और ये पाई बॉन्ड पे ब्रेक करके HH देना था, तो आपको अल्कोहल मिलता। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको सिर्फ हैलाइड को हैलोजन को बाहर निकाले, डैट मीन्स अल्डिहाइड अगर बनाना चाहते हैं, रिएक्शन को यहीं पे रोकना चाहते हैं,
तो अगेन आपको H2PD तो लेना ही पड़ेगा, और इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा बैरियम सल्फेट। डैट मीन्स सेम वैसा ही काम करेगा ये बैरियम सल्फेट का पाउडर, आपके जो प्लेटिनम के जो एक्टिव साइट थे, एक्टिव होस्ट थे, उसमें जा कर के बैठ जाएंगे, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो आपकी रिएक्शन फिर एसिड हैलाइड से अल्डिहाइड पे रुक जाएगी। और इस रिएजेंट का भी एक स्पेशल नेम है, डैट इज रोजनमेंट कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं रोजनमेंट कैटलिस्ट। तो अगर कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो देखो इसमें BA है और इसमें R है, तो बार वर्ड से याद रख सकते हैं, रेस्टोरेंट एंड बार वर्ड होता राइट, तो बार वर्ड से कि बैरियम होगा तो रोजनमेंट बोलेंगे, और कैल्शियम होगा तो कैल्शियम में L आ रहा है तो उसको बोलेंगे लिंडलार। तो आई होप ये ज्ञान की बात को भी आप ध्यान से सुन रहे होंगे। नाउ एक और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, डैट इज BH3 बोरेन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफिरॉन THF, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।